सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। इट्स सचिन चल है और मैं आ चुका हूँ एक और व्लॉग के साथ। और गाइस, अभी टाइम मैं आपको दिखाता हूँ कितना हो रहा है, 3:56, 4 बजने वाले हैं। और अभी मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ और हम कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। वैसे वैसे मैं आपको बता देता हूँ, हम जा रहे हैं, ये ट्रिप थोड़ी लंबी होने वाली है, ट्रिप टू चेन्नई वापस। कुछ लोग समझ गए होंगे हम चेन्नई क्यों जा रहे हैं और बाकियों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा जैसे मैं बताता रहूँगा। और चेन्नई में तो वैसे अभी मैं फटाफट रेडी तो हो चुका हूँ, शूज़ वगैरह पहनने हैं बस अभी। और उसके बाद 4:30 बजे तक हमारा प्लान है घर से निकलने का, क्योंकि 7:30 अप्रोक्स के करीब मेरी फ़्लाइट है। तो अभी यहाँ से 1-1.5 घंटा लगेगा एयरपोर्ट जाने में। तो इस चक्कर से पहले यहाँ से मेरी दिल्ली की फ़्लाइट है और फिर दिल्ली से चेन्नई। तो वैसे बिना देरी किए मैं भी रेडी होता हूँ फटाफट से, मैं आपको आराम से मिलता हूँ चलते टाइम। अगर अब हम निकलते हैं थोड़ी देर में, तो मैं आपको सीधा बाहर का रूट दिखाता हूँ, मैं पूजा करने के बाद निकलता हूँ यहाँ से। तो गाइस, फाइनली अभी हम निकल चुके हैं और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस, अब हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, आपको सामने दिख रहा होगा, बस यहाँ से थोड़ा सा रह गया, बस अंदर जा रहे हैं उसके। तब देखो आप, तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं। और कैसा लग रहा? बड़ा बढ़िया। अगर अभी मम्मी पापा खड़े हैं, अभी तो अभी यही 6 बजने में टाइम है, तो अभी 6 बजे मैं अंदर जाऊंगा, तब मैं आपको दिखाता हूँ बाकी। चलो फिर मैं चलता हूँ। सो गाइस, फाइनली बोर्डिंग पास ले लिया है, अब जा रहे हैं हम अंदर, तो मैं आपको अंदर का भी दिखाता हूँ। दिल्ली और यहाँ से अभी जाना है मैं टर्मिनल 2 में। और अभी मैंने पूछा तो टर्मिनल 2 यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, बाप रे बाप। तो कह रहे 1 घंटा लग जाएगा आपको और फिर आपको थोड़ा बस के लिए वेट करना पड़ेगा। तो इस चक्कर से तो अभी हम फटाफट जा रहे हैं टर्मिनल 2 के लिए। तो गाइस, अभी हम ऊपर आए हैं खाने के लिए, तो अब खाना खा के निकलते हैं। गाइस, अभी हम दिल्ली के टर्मिनल 2 में आ चुके हैं और यहाँ पे अभी हमको कौन मिला भाई हमारे साथ, ये भाई भी हमारे साथ मर्चेंट नेवी में ही है। और एक इतफाक से हम मिले एक ही फ्लाइट में दोनों, और एंग्लो ईस्टर्न से कर रखा भाई ने। भैया आप बताओ फिर अपने बारे में थोड़ा। गाइस, मैं सुशांत, मैं एंग्लो ईस्टर्न हूँ। भाई मुझे गलती से मिल गया, वो तो चेन्नई की फ्लाइट में दोनों साथ जा रहे थे। हाँ, तब तो भाई ने बताया वो भी मर्चेंट नेवी का है, अच्छा है। तो ऐसे ये भी चेन्नई जा रहा है और मैं भी,
और साथ के ही हैं। तो अभी हम यहाँ पे अभी 11 बज चुके हैं और अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर में जब 12 बजे तक ऐसे बोर्डिंग हो जाएगी तब हम चलेंगे वहाँ पे, तब मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर साथ में ही है अभी हम। अभी हमें यहाँ से अपना लगेज लेना है, लगेज थोड़ी देर में आएगा, तब लगेज लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस मेरा दोस्त आ चुका है और उसको नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ उसके पास चुपके चुपके, तो देखते हैं क्या होता है। क्या हाल है? ये देख लोग मैं लाया मैं इसको तेरे को सरप्राइज देने के लिए। तो गाइस आ चुका है दोस्त। ले ले लगेज का है। अरे मैं तो वहां बैठा था। कब आ रहा तेरा लगेज? आ गया ऐसे करके। लगेज कब आ रहा? आ रहा है यार अभी। तो गाइस अब लगेज लेके निकलते हैं, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। तो गाइस अब हम बैग वगैरह आ गया, कैब हमारी वहां पे खड़ी हुई है। अब हम जा रहे हैं कैब के लिए। अरे 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 तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं और नीलेश भाई हमारे शर्मा रहे हैं कैमरा देख के कैमरा देख के शर्मा रहे। क्या हाल है भाई? मेरे साथ क्या हाल है? बहुत सही है, बहुत सही है। लॉन्ग सामान निकाल ले भाई। हाँ सामान उठाओ हम लोग का। आगे देखते हैं। क्यों आया? मैं आ रहा था इधर, मतलब तू वहीं पे। अब जा रहे हैं हम रूम पे। चल चल चल। कौन सा रूम है? अलग कपड़े में था ना तू? अच्छा आदमी इधर है। अच्छा पकड़ा था ऐसे? कहाँ है? कौन था? कैसे पकड़ना था? अरे तो गाइस अभी हमने रूम पे सारा सामान रख चुके हैं और अभी हम थोड़ा बाहर को आने कुछ देखने भी, बीच वगैरह भी। जैसे नीलेश ने बताया कि बहुत पास है यहाँ से देसी मुर्गा, तो अभी बाहर जा रहे हैं जरा देखने, मतलब खाने पीने का भी जो भी सीन हुआ। और अगर बीच में अभी खुला होगा तो वहाँ भी चल जाएंगे। तो गाइस अभी यहाँ पे बीच है आगे, तो हम बीच के लिए जा रहे हैं। अभी दिखाते हैं आपको ये बीच का एरिया है। यहाँ पे कितना दूर रह गया नीलेश? धीरे जाएंगे ना। अच्छा तो 10-15 मिनट लगेंगे तब चलते हैं। और आपको आगे टेम्पल भी दिख रहा होगा, ये साइड से अभी बंद हो गया ना? अभी बंद हो गया। हाँ तो एक सुबह खुलेगा, अगर सुबह हमारे पे टाइम रहा वैसे रहा ही तो हम सुबह चलेंगे इसमें। अभी चलते हैं बीच की ओर, मैं आपको दिखाता हूँ। उठ गए तो? हाँ अगर उठ गए तो देखते हैं अभी। तो यहाँ से देखो आप रेस शुरू होगी, बहुत बढ़िया किया अगर हमने चप्पल में आए है ना। उछल के उछल के हाथ में आ रही है रेत, इतना दर्द अजीब सा हो रहा। अच्छा एक बार हम सोचे शूज में आने के लिए, पर फिर हमने सोचा कि चप्पल पहन दे, चप्पल बहुत सही था, नहीं तो ये रेत ना चप्पल है फंस के उछल भी है, शूज होता तो शूज तो गंदा हो ही जाता। आपको दिखाता हूँ अब आगे। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं बीच के पास और मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। बड़ा भयंकर नजारा है, मजेदार मौसम हो रहा है देहरादून से, तो काफी बढ़िया मौसम है यहाँ का। मैं दिखाता हूँ गाइस, देख सकते हो आप। अभी चलते हैं आगे, वहाँ पे देखते हैं फिर पूरा बीच। और बहुत ही बढ़िया हो रहा है, मजा ही आ जाएगा यहाँ पे तो। कैसा लग रहा भाई कैफ? एक नंबर। नीलेश दादा हमारे बातचीत कर,
राइट फाइनली ये बीच। वाटर व्यू बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, मन नहीं कर रहा है जाने का, पर अब शाम भी हो चुकी है और चलते हैं। टाइम कितना हो गया? साढ़े छह हो चुके हैं और अभी भी तो हम अब बंद होने का टाइम भी हो चुका है, अब चलते हैं यहाँ से। तो मैं अब आपको मिलता हूँ वहीं पे। सो गाइस हम आ चुके हैं अब बीच से और हम जा रहे हैं क्योंकि पैंट वगैरह भी गिल्ली हो चुकी है पूरी, और यहाँ पे एक सोर टेम्पल भी है तो हम बाहर नहीं जा रहे क्योंकि वो क्लोज हो चुका है। तो इस चक्कर से मेरे दोस्त थे सारे, हाँ, और ये तो पता ही है, इन्हें पता ही है मेरे दादा हमें स्टार्टिंग में पिकअप करने आए थे थाली लेके, बिल्कुल ज्यादा बीच लग रहा था। तो अब हम जा रहे हैं दोबारा रूम पे क्योंकि कपड़े चेंज करेंगे और उसके बाद देखते हैं खाने का कुछ क्या हुआ। देखते हैं दुबई का सीन है, अब जाने का देखते हैं। तो गाइस अब मिलता हूं मैं आपको। क्या कह रहा भाई, कैसे कह रहा? मैं कह रहा हूं दुबई में जो अपना होटल ले लिया, अभी इसने होटल भी खरीदा है दुबई में बुर्ज खलीफा की एक बिल्डिंग। तो गाइस अब मिलते हैं, हां मिलते हैं फिर आपको आगे। सो गाइस आप देख सकते हो, ये देखिए आपको थोड़े थोड़े अलग ही टाइप का, मतलब ये पत्थर है पूरा पुराने जमाने का और उस पर पूरा डिजाइन किया गया है एंशिएंट टाइम के। माँ क्या कह रहा है, कब का आई अर्जुना यहाँ पे तक किए थे? अर्जुना पेनेंस बोलते हैं, अर्जुना पेनेंस, अर्जुना पेनेंस बोलते हैं। तो उन्होंने उस टाइम का मतलब कितने साल पुराना हो गए अभी ये नहीं पता, अर्जुना का टाइम का होगा मतलब पुराना है मतलब। और गाइस ऊपर देख सकते हो आप लाइट हाउस, अंग्रेजों के जमाने का है वो। और ये आप देख सकते हो कितने, ये इतना बड़ा पत्थर है ये, और फिर कलाकारी की गई है। सुबह में लेके जाएंगे, सुबह जाएंगे पक्का, अभी तो टाइम हो चुका है तो इसका बंद हो गया। एंट्री फ्री है, एंट्री फ्री है, तो सुबह जाएंगे वहाँ पे और फिर आप जा नहीं सकते अभी। तो अभी चलते हैं हम वापस, हम थोड़ा यहीं से टहलते हुए आए थे कि अगर खुला होगा तो हम चलेंगे अंदर, पर वो बंद था तो इस चक्कर से अब चलते हैं फिर घर, मतलब रूम पे चलते हैं क्योंकि लोअर भी मेरा भीग चुका है और सबका ही भीग गया। तो हम सोच रहे हैं चेंज करके फिर खाने के लिए आए, तो अब चलते हैं फिर घर की ओर, घर नहीं सॉरी रूम की ओर। सो गाइस अभी हम रूम पे आ चुके हैं और अभी इस टाइम 7:30 हो चुका है, मैं थोड़ी देर हो चुकी है अपना आधा घंटे ज़्यादा। तो अब हम सोच रहे हैं दोबारा मतलब डिनर के लिए जाने के लिए, तो अब जा रहे हैं डिनर के लिए, मैं आपको सीधा वहीं मिलता हूँ। सो गाइस अभी हम खा रहे हैं बिरयानी तीनों, टेस्ट करके बता भाई क्या है जल्दी। अरे बहुत तगड़ा जबरदस्त, खा खा जल्दी, कैसी हो रही भाई? तो गाइस अब खाना खाने के बाद मिलता हूँ मैं भी आपको। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं रूम की साइड, मेरे को जरा कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेना था तो मैंने वो लिया, हम जा रहे हैं रूम की साइड, अब मैं मिलता हूँ आपको वहीं पे फिर देखते हैं रहना। सो गाइस फाइनली अभी हम रूम पे आ चुके हैं और बहुत थकान हो रही है, अभी टाइम है 8:30 हुआ है, तो अभी हम सोच रहे हैं एक डेढ़ घंटा रेस्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं जो भी होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा और फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। सो गाइस अगेन हम दोबारा आ चुके हैं, नीलेश भाई का खाना नहीं पच रहा है, देखते हैं। चलो अभी टाइम ना 10 बजने वाला है, चलो देखते हैं मार्केट, हाँ खा लेंगे, टाइम चलिए कोई बात नहीं है। आज नीलेश भाई बहुत अमीर आदमी है और हाँ मैं कहता हूँ कि देखते हैं मार्केट खुला होगा नहीं खुला होगा वो भी देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट। तो वैसे अभी जो ये वाला मार्केट है यहाँ पे तो कम भीड़ है और हम सोच रहे हैं कि चलो बीच पे भी जाके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखते क्या होता है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या होता है, तो अब वहीं जाके देखते हैं लॉन्च करते हैं कि नहीं करते। हाँ वो वहीं जाके होता लगेगा, आपको मैं दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे हैंडमेड मूर्तियाँ बहुत हैं और हर जगह आपको दिखने को मिलेगी, मतलब हर मतलब इधर की साइड, मतलब ये अपने आप ही बनाते होंगे ना, ये अपने आप बनाते हैं मतलब पत्थर से। और अभी देख सकते हो आप बिल्कुल बीच के वाले रास्ते में भीड़ ही नहीं है, बहुत कम लोग हैं। हम
मुझे लगता नहीं दुकानें खुली होंगी जिस हिसाब से यहाँ पे भीड़ है, बहुत ज़्यादा। अब जाके देखते हैं क्या होता है। अभी तक यहाँ पे इतनी चहल पहल थी और अब सारी दुकानें बंद है, सारी की सारी, कुछ भी दिख रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं थोड़ा आगे चल के, वहाँ पर पूरा अंधेरा ही हो रहा है, मुझे लग रहा है कोई फ़ायदा नहीं है जाके, तब भी देख लेते हैं। सो गाइस देखो गाइस सब कुछ बंद हो चुका है यहाँ पे, और बस वहाँ पे थोड़ी लाइट दिख रही है यहाँ पे पानी की साइड ना। अब मैं आपको वहीं जाके दिखाता हूँ, एक बंदा नहीं है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखो पूरा खाली है। अभी जब हम उस टाइम आए तब इतनी भीड़ थी, और इस टाइम सब मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है। पानी का देखते हैं कैसे चल रहा, हम जाएंगे तो नहीं इस टाइम पे। गाइस ये देखो आप पानी, हम यहाँ से जल्दी ही निकलेंगे और निकलते ही हैं। मतलब यहाँ पे देखने में देखना था कि यहाँ पे क्या कोई है, नहीं है कोई भी नहीं है, तो अब निकलते ही हैं। बस मैं आपको दिखाता हूँ, पहले वहाँ से आ चुके हैं और मैं सही बता रहा, हमारी ना आते आते हालत खराब हुई, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा था, पर अब हम जा रहे हैं। हम वैसे वॉक के लिए आए थे क्योंकि अभी हमने डिनर किया था, इस चक्कर से अब बिल्कुल ढंग से पच चुका है। अब जा रहे हैं हम रूम पे, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ फिर। सो गाइस फाइनली पे हम रूम पे आ चुके हैं और अब हम सोने की तैयारी पे हैं। तो बस अब सोते हैं, इस व्लॉग को मैं सोच रहा हूँ यहीं पे एंड करूँ, कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इस चक्कर से। तो अब कल का मतलब कॉलेज हम जाएंगे, तो मैं वो कल सुबह दिखाऊंगा फिर वो अलग व्लॉग में, इसको यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में।